हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो मैंने बनाई है गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पांच गेमिंग लैपटॉप्स दिखाने वाला हूं, जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप्स हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको गेमिंग लैपटॉप्स। तो गाइस, पहला लैपटॉप जो हमने चूज़ किया है वो है आसूस का TUF A15। और गाइस, ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, शानदार है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें AMD का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, NVIDIA की ग्राफिक्स, और इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। इसका 12.3 आवर्स का कंपनी क्लेम करती है इसका बैटरी बैकअप। और जैसा आप देख सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। और इसमें सेल्फ क्लीनिंग फ़ैन है, ड्यूअल सेल्फ क्लीनिंग फ़ैन, और इसका जो एयर फ्लो है ना गाइस, गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से बहुत ही शानदार दिया गया है। और इसकी डिस्प्ले भी 144 हर्ट्ज की है, तो आपको गेम खेलने में अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। और जैसे कि गेमिंग लैपटॉप तो है ही, तो इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और कीबोर्ड में भी RGB सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल कलर की RGB है। और आपका स्क्रीन साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये इसके कुछ की फ़ीचर्स है गाइस। तो की फ़ीचर्स में प्रोसेसर मेन है हमारा Ryzen 7 यूज़ किया गया है, GeForce का 3060 RTX DDR6 6GB वाला ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया गया है। बाकी के फ़ीचर्स आप देख सकते हैं इसमें, SSD भी यूज़ की गई है 512 की। इसका प्राइस आपको Amazon पे 1,03,990 का मिलेगा गाइस। तो गाइस, बात करते हैं दूसरे लैपटॉप की, जो कि है Asus की तरफ से ROG G14 का लैपटॉप है, ये G14 सीरीज़ का। और गाइस, ये Asus का प्रोडक्ट है, Asus तो वैसे ही फेमस है गेमिंग के लिए। तो गाइस, ये जो लैपटॉप है ये आपको LED डिस्प्ले के साथ मिलता है, IPS पैनल नहीं है इसमें, और इसका बैटरी बैकअप 10 आवर्स का है, और Type-C का चार्जिंग सपोर्ट है, और Ryzen के प्रोसेसर के साथ ही आता है, और NVIDIA का ही ग्राफिक्स कार्ड आपको इसमें देखने को मिलता है, और इसमें Wi-Fi 6 का सपोर्ट है और क्वाड स्पीकर है Dolby सिस्टम के साथ। तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इस लैपटॉप की, और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, और फ्री सिंक भी सपोर्ट करता है गाइस ये लैपटॉप, और Full HD इसमें डिस्प्ले दिया गया है। तो गाइस, ये भी एक बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि Asus का ROG सीरीज़ है ये, तो ROG सीरीज़ तो वैसे ही फेमस है गेमिंग के लिए। बाकी जो है इसमें, बाकी बात करते हैं इसके की फ़ीचर्स के बारे में गाइस। तो इसमें 14-inch का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, और बाकी के सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, जिसमें कि प्रोसेसर है AMD का Ryzen 5 4600, और इसकी 3 GHz की क्लॉक स्पीड है, और इसमें 6 Core 12 Thread है, 8GB इसमें रैम सपोर्ट मिल जाएगा आपको, और 1650 का आपको ग्राफिक कार्ड इसमें मिल जाएगा, और डिस्प्ले 14-inch की रहेगी इसमें Full HD सपोर्ट के साथ। बाकी प्राइस की बात करते हैं, इसकी Amazon पे आपको मिल जाएगा ये 84,990 का। तो गाइज, बात करते हैं तीसरे लैपटॉप की, जो कि Acer की तरफ से है, Nitro 5। तो गाइज, नाइट्रो की पूरी सीरीज़ आती है वैसे Acer की, तो ये जो लैपटॉप हमने चूज़ किया वो है Acer का Nitro 5, और ये भी अपनी लीग में और गेमिंग लैपटॉप्स में बहुत ही लेजेंडरी लैपटॉप है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है, पूरी गेमिंग लैपटॉप की अच्छी लुक आती है इसकी। बाकी आप देख ही सकते हैं लुक इसकी, और इसमें आपको वेबकैम भी मिल जाता है 720p HD का, और RGB कीबोर्ड भी मिल जाता है इसमें आपको, और मल्टीपल कलर RGB मिलता है। और बाकी इसके फीचर्स की बात करते हैं गाइस, तो नाइट्रो 5 जो Acer की तरफ से आता है उसमें आपको फ़ीचर्स देखने को मिल जाते हैं, प्रोसेसर इंटेल का i5 10th Gen, और RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा 6GB वाला आपको, और 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा इसमें। डिस्प्ले 15.6 इंची की है, और बाकी के फ़ीचर्स आप देख सकते हैं, 8GB की रैम इसमें दी गई है, SSD भी है। बाकी इसके प्राइस की बात करें Amazon पे, तो इसका प्राइस आपको 94,900 का है। अगले लैपटॉप की बात, जो कि HP की तरफ से Pavilion सीरीज़ का गेमिंग लैपटॉप है। तो गाइस, HP में देखो, बिल्ड क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आती, बट स्पेसिफिकली इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी मुझे सही लगी है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है जैसे कि है, तो फिर भी काफ़ी ड्यूरेबिलिटी है इसकी, और इसमें इंटेल का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा i5। बाकी इसमें जो है डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, और एक गेमिंग लैपटॉप है जैसे कि, तो इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है, स्मूदर गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा, अच्छे FPS आपको आएंगे इसमें गेम खेलने में, 144 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा इसमें, और इसमें स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, और आपको कीबोर्ड में भी RGB सपोर्ट देखने को मिलेगा, और एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ड्यूअल फैन का सपोर्ट है गाइस इसमें। बाकी स्पीकर जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छे हैं। बाकी इसके की फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं गाइस, प्रोसेसर इसमें इंटेल का है, आपको इसमें i5 देखने को मिलेगा, और आपको ग्राफिक्स कार्ड इसमें मिलेगा 1650 जो 4GB का ग्राफिक कार्ड है, और इसमें 8GB रैम का सपोर्ट मिलेगा। बाकी के फ़ीचर्स आप देख सकते हैं। बात करें इसके प्राइस की, तो ये Amazon पे आपको 69,990 का मिल जाएगा।
गाइस बात करें अगले लैपटॉप की तो लिनोवो की तरफ से लीजेंड 5 अगला लैपटॉप है जो हम बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। तो भाई लिनोवो के काफ़ी कम गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं, बट ये जो है ये काफ़ी अच्छा है लीजेंड 5, क्योंकि इसमें AMD का प्रोसेसर दिया गया आपको और बेंचमार्क काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे आपको गेमिंग के टाइम पे। स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस होगा, इनफैक्ट आप 1080p में गेमिंग करते तो भी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसके स्टाइल की बात करें, इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी दी गई है गाइस गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। कूलिंग का भी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है। बाकी इसके की फीचर्स आप देख सकते हैं, इसमें AMD का प्रोसेसर है, 8GB रैम है और स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी SSD दी गई है इसमें। बाकी ग्राफिक कार्ड 1650 है। इसके प्राइसिंग की बात करें तो Amazon पे आपको ये मिल जाएगा 67,990 का। तो गाइज ये थे हमारे 5 गेमिंग लैपटॉप्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।